मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु अनपेक्षित इच्छाओं को पूरा करना आवश्यक नहीं है। प्रथम दृष्टि में मनुष्य के लिए भोजन, पानी, वस्त्र और मकान आदि आवश्यक हैं, किंतु सुख सुविधा, ऐश्वर्य विलासिता के साधनों को जुटाना अनिवार्य नहीं है। जब जीवन उपयोगी अत्यंत अनिवार्य वस्तुओं का अभाव होता है अथवा भीतर में तृष्णा का ज्वार उमड़ता है, तब व्यक्ति उनको पाने के लिए अनर्थ कार्यों में प्रवृत्त होता है। अभाव की स्थिति में गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी और बेरोजगारी पनपती है। अत्यधिक तृष्णा की स्थिति में पूंजीपति, धन कुबेर बनने की कामना जागती है। पेट भरने के लिए किसी को चोरी जैसा जघन्य कार्य करना पड़े या उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर अत्यधिक संग्रह के लिए चोरी करना जघन्य अपराध है। तो 18 पाप के अंतर्गत तीसरा पाप है अदत्ता दान। अदत्त अर्थात बिना दी हुई, आधार यानी ग्रहण करना, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। इसके अतिरिक्त श्रावक प्रतिक्रमण में कहा गया रिश्वत लेना, चोर को चोरी करने में सपोर्ट करना, चोर का माल खरीदना, असली वस्तु लेकर के नकली वस्तु देना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। और दूसरों की वस्तु को अपना बताना या किसी वस्तु को छुपा करके लेना, ये सब के सब चोरी के अंतर्गत आता है। अब चोरी व्यक्ति क्यों करता है, तो प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा गया कि जब व्यक्ति के भीतर तीव्र लोभ की भावना जागृत होती है, यानी ज्यादा पाने की इच्छा होती है, तब व्यक्ति चोरी करता है। दूसरी बात बताई गई, जब व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है तब व्यक्ति चोरी करता है। तीसरी बात बताई गई, जो सुख के वशवर्ती होते हैं, विषयों की परवशता से पीड़ित होते हैं, या जिसमें सघन मोह होता है, या दूसरों के धन के प्रति उसको आसक्ति होती है, तब व्यक्ति चोरी करता है। उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा गया कि जब व्यक्ति के भीतर संतोष नहीं होता है, ज्यादा लोभ होता है, तब व्यक्ति चोरी करता है। चोरी करने वाला केवल चोरी नहीं करता है, लेकिन उसके साथ साथ कई काम कर लेते हैं, जैसे दूसरों को डराना, धमकी देना, मारपीट करना, किसी का अपहरण करना, ये सब चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी के साथ साथ ये काम भी कर लेता है। तो चोरी करना धार्मिक दृष्टि से तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी चोरी को अच्छा नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति चोरी करता है उसकी क्या स्थिति होती है, तो वो जैन शास्त्र में कहा गया जो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी का परिणाम क्रूर और भयंकर होता है। उसका यह जन्म भी तो खराब होता है और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट बर्थ होता है वहां पर भी उसको सुगति प्राप्त करना कठिन हो जाती है। इस जन्म में भी वो निंदनीय होता है और अगले जन्म में भी उसको कोई अच्छा स्थान नहीं मिलता है। तो चोरी करना जघन्य अपराध माना गया है। भगवान महावीर ने मुनि के लिए सर्वथा अदत्तादान के वर्जन का उपदेश दिया है। दसवीकालिक सूत्र में कहा है कि से गामे वा नगरे वा रन्ने वा अप्पम वा बहुम वा अणुम वा थूलम वा चित्तमंतम वा अचित्तमंतम वा नेव संयम अधिन्नम गिहने चा। अर्थात संयमी मुनि स्वामी की अनुमति के बिना गांव में हो, चाहे नगर में हो, चाहे अरण्य में हो, वहां अल्प वस्तु मिले या बहुत वस्तु, सूक्ष्म हो या स्थूल, सचित या अचित, कोई भी वस्तु साधु को मिलती है
या कोई भी वस्तु हो तो साधु बिना परमिशन ग्रहण नहीं करते हैं। इवन कहा गया मुनि के लिए, अगर वो किसी के घर से सुई मांग करके लाता है कि मुझे कपड़ा सिलना है, वो कपड़ा ही सिल सकता है। उस सुई से वो अगर कांटा निकालता है तो वो उसको प्रामाणिकता का दोष का दोष लगता है, अप्रामाणिकता का दोष लगता है। तो साधु के लिए तो इतना कहा गया कि तीन करण तीन भोग से वो किसी भी प्रकार की चोरी न करे, न कराए, और चोरी करने वाले का अनुमोदन भी न करे। किंतु एक जो जैन श्रावक होता है वो पूर्ण रूप से अष्टय व्रत से, चोरी व्रत से, यानी अदत्ता दान से बच नहीं सकता है, लेकिन वो जो स्थूल चोरी है उससे वो बच सकता है। जैसे किसी का ताला तोड़ना, झूठी साक्षी देना, बिना पूछे किसी वस्तु का उपयोग करना, दूसरों की वस्तु को अपना बताना, इन सब से वो बच सकता है। क्योंकि आचार्य सोमप्रभ ने तो चोरी के कार्य का इतना बड़ा उनका परिणाम बताया है कि चोरी करने से क्या परिणाम होगा उसका, यानी चोरी करने वाले को सद्गति नहीं मिलेगी, सद्गति मिलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगी, यानी स्वर्ग और मोक्ष के सुख से वो वंचित हो जाएगा। चोरी क्या है? दुर्गति का कारण है, विपत्ति का भी कारण है, और भी चोरी के कारण बहुत अनेक प्रकार की समस्याएं भी जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए उसको समझ करके जीवन में नैतिकता को अपनाए, प्रामाणिकता को अपनाए। क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, व्यक्ति धार्मिक क्रिया करता है लेकिन जो नैतिकता है, प्रामाणिकता है, उसको भी समझने का प्रयास करें। आज देखते हैं सब चीजों में मिलावट हो रही है, मसालों में भी मिलावट, दूध में भी मिलावट, इवन पॉइजन में भी मिलावट। एक व्यक्ति जीवन से तंग आकर के पॉइजन पीकर के सोता है, लेकिन सुबह उठ करके देखा वो सही सलामत। आजकल कोई चीज शुद्ध नहीं रही, व्यक्ति मिलावट करता है, ज्यादा पाने की दृष्टि से मिलावटी चीजें बेचता है। वो स्वयं नहीं चाहता है हमारे घर में कोई मिलावटी चीजें आए, लेकिन वो मिलावट कर करके चीजें बेचता है, जिससे छल कपट भी करना पड़ता है, धोखा भी दूसरों को उसके कारण हो जाता है, उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। तो निष्पत्ति के रूप में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अदत्ता दान यानी चोरी करता है उसका परिणाम क्या होता है, लेकिन जो चोरी नहीं करता है उससे क्या होगा, उससे सबसे पहला लाभ होगा प्रामाणिकता का विकास होगा, वो तनाव मुक्त जीवन जिएगा। क्योंकि चोरी करेगा उसको 10 बातें सोचनी पड़ती है कि कैसे छिपाए, कैसे लाए, लेकिन जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, अष्टय व्रत का पालन करता है, वो तनाव मुक्त जीवन जिएगा। उसके लिए सुगति भी सुलभ हो जाएगी, यानी अच्छी गति सद्गति प्राप्त हो जाएगी आराम से, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका यश होगा, जहां भी जाएगा उसका यश होगा, और दूसरों को भी अभेदान देगा। क्योंकि वो चोरी करता है उससे सबको डर लगता है कि अमुक व्यक्ति से सावधान रहना, यह चोरी की इसकी आदत है, लेकिन जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है उससे किसी को भी डर नहीं लगता है, इसी अभेदान का भी विकास होता है। तो यह आज से संकल्प करें कि ये जो तीसरा पाप अदत्ता दान, उससे हम कैसे बचे, क्योंकि इससे यह जन्म भी अच्छा नहीं होता है और नेक्स्ट जन्म भी अच्छा नहीं होता है। आज से हम संकल्प करें कि हम किसी की भी वस्तु को बिना पूछे नहीं लेंगे, दूसरों की वस्तु को अपना नहीं बताएंगे, और हमारे भीतर जो ज्यादा इच्छा है, आकांक्षा है, असंतोष है, उसको भी हम कम करने का प्रयास करेंगे, तभी यह अदत्ता दान जो पाप है उससे हम बच पाएंगे, और जो उससे नुकसान होते हैं उससे भी हम बच पाएंगे, और हमारा अष्टय व्रत के पालन से यह जन्म भी अच्छा होगा और आने वाला जन्म भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।